वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके सोनियास किचन। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने एक कटोरी बॉईल किए हुए राइस लिए हैं, अदरक का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी बीन्स ली है, थोड़ी शिमला मिर्च, दो ग्रीन चिल्ली, एक गाजर, कुछ धनिया के पत्ते काट के रखे हैं और ब्लैक पेपर। हमने 1 स्पून तेल डाला है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आप घी, रिफाइंड किसी का भी यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हरी मिर्च, इसको भी फ्राई पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। अदरक हरी मिर्ची हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। अब हम गाजर डाल लेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, इसको भी फ्राई पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको अच्छे से हल्का सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमने थोड़ा सा क्रंची ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम राइस डालेंगे। टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी सी 1 चम्मच अब ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हम रेड चिल्ली सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे जो हमने दरदरा पीस रखा था और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे फ्राइड राइस बनकर रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारे फ्राइड राइस बनके रेडी है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।